हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा कि किस चीज़ के बारे में है वीडियो। बड़ी मुश्किल से मन बना के सबसे सुन सुन के कि हाँ अभी बताना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे लोग कुछ गलत सोच रहे हैं इंस्टाग्राम पे, जो मेरे स्टमक चीज के मार्क्स जो देखते हैं, या मैं क्यों बीमार हो रही हूँ, क्यों गायब हो जा रही हूँ, क्यों सारा सब कुछ, मतलब जो मैं क्या था, क्या से कब स्टार्ट हुआ। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मैं जब फोर्थ क्लास में थी तब मेरे स्टमक में पेन होता था और हल्का हल्का होता था, बट बच्चे थे तो इतना ध्यान नहीं देते थे, खेलने कूदने में स्कूल में जाते थे। पेन बढ़ता गया जब मेरे एग्ज़ाम होते थे ज़्यादातर, तभी हुआ। और रियल में ये पूरी लाइफ टाइम जब तक भी मेरी रहा है, और ये आज भी है, कभी भी होता है तो ऐसे टाइम पे होता है जब मेरे एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, कहीं कोई ओकेज़न वगैरह होता है जहाँ मुझे जाना होता है, वो टाइम से मन बना के बैठी होती हूँ, वाओ ये डेट आने वाली है, इस पे कहीं जाना है। चलता रहा, फिर अल्ट्रासाउंड वगैरह भी सबने, घर वालों ने जो करवा सकते थे सब कुछ करवाया, कुछ नहीं आता था अल्ट्रासाउंड में। 4 साल तक तो ये लगा लो कुछ पता ही नहीं लगा कि क्या चीज़ है, आता ही नहीं था कुछ भी, बस स्टमक है, पेन है, एसिडिटी हो रही है। ये गाँव से बिलोंग करते तो बहुत सारी चीज़ें होती है कि इसको ये हो गया है, ओपरा पराया सारा। तो चलता था ऐसा ही, चलता रहा काफ़ी टाइम तक, चलता रहा वो, मैं पेन के साथ, पेन मेरे साथ। फिर 8th क्लास में मैं हुई, अभी तक किसी को नहीं पता है। 8th क्लास में मैंने DID लिटिल मास्टर के ऑडिशन दिए थे, ठीक है। तो मेरा 3rd राउंड तक मेरा पूरा क्लियर था, उसके बाद मेरे को मुंबई जाना था, तो मुंबई में जा नहीं पाई बिकॉज ऑफ स्टमक पेन। उस टाइम पे भी ये पेन हुआ था, मैं पूरा सब कुछ रेडी करके बैठी थी, तो उस टाइम पे भी नहीं हो पाया था। और आज भी मेरे पास वो रखा हुआ है जो सिलेक्शन का वो दिया था उन्होंने वहाँ पे, कि फॉर्म वगैरह, मेरे पास फ्लैग था, एक सारा सब कुछ जो था, छोटी छोटी चीज़ें मैंने वही रखी हुई है। तो उसके बाद फिर मैं 9th क्लास में गई, 10th 11th 12th, बट अल्ट्रासाउंड करवाया तो उस टाइम पे ये पता लगा कि मेरे स्वेलिंग है, स्वेलिंग की। फिर मैंने दवाइयाँ, मेडिसिन जो भी था, मेरा ट्रीटमेंट मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। फिर पेन ऐसे ही चलता रहा, कभी हो जाता है कभी कुछ कभी, तो मेरे कंटिन्यू मेरे 1 महीने तक चला था पेन, मतलब ये कि बिल्कुल बिल्कुल वीक हो गई थी मैं तब 9th क्लास में। तो फिर दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया था तो पता लगा कि मेरे स्टोन है गोल ब्लडर में। फिर उसका स्टोन का भी साथ में ट्रीटमेंट चला जो भी है, क्योंकि गोल ब्लडर एक ऐसी चीज़ है जिसमें से स्टोन नहीं निकल सकती, कोई रास्ता ही नहीं होता वहाँ निकलने का, तो आपको ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा उसका। बट हम अवॉइड कर रहे थे क्योंकि मेरी एज बहुत कम थी, तो मैं नहीं करवा सकती थी ऑपरेशन के बाद। दर्द ये था कि कम होता था, ज़्यादा नहीं होता था, बर्दाश्त कर रही थी मैं, मतलब इतना था मेरे अंदर कैपेबिलिटी कि मैं उसको कर सकूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं हुई कॉलेज में, मेरी प्लस टू हो गई कॉलेज में, मैं गई कॉलेज में, मैं रहती थी डोली के यहाँ पे, जो मेरी फ्रेंड है जिसकी अभी शादी हुई है, तो मैं उनके यहाँ पे रहती थी। अभी भी मेरे को याद है 26 जनवरी आने वाली थी और मैं स्कूल में डांस सिखाने लगी थी, जैसे 26 जनवरी के लिए टीम को पूरा जो डांस रहता है पूरा जो भी। तो 24 तारीख थी 24 जनवरी, और 2018 में उनके घर पे रात को मैं वॉशरूम गई थी, क्योंकि मेरे पेन बहुत गंदा वाला हो रखा था। मैं वॉशरूम गई, वोमिटिंग हो रही थी मेरे को बहुत गंदी, और वॉमिटिंग करते करते मेरे को चक्कर आया, मैं वो गिर गई वहाँ पे। मेरे को थोड़ा थोड़ा हाँ याद है कि अंकल आंटी मुझे लेके गए हॉस्पिटल में, फिर डॉक्टरों ने बोला कि स्वेलिंग के साथ और मतलब जो इसके गोल ब्लडर में स्टोन है उसके साथ कुछ और भी प्रॉब्लम है, अल्ट्रासाउंड में नहीं आएगा, आपको MRI करवाना पड़ेगा। फिर मैंने MRI करवाया, MRI में पता लगा कि स्टमक में, आई डोंट नो डॉक्टर लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, गोला, क्योंकि मेरे को अभी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये कोई बोलते हैं, तो बहुत बड़ा गोला लेके घूम रही थी पेट में, तो वो गोला टाइप कुछ था। फिर सारा सब कुछ घर वालों ने जैसे तैसे इकट्ठा किया, बहुत ऑपरेशन भी बहुत तगड़े वाला था उसका। तो 5th मार्च 2018 को मेरा ऑपरेशन हुआ, जिसमें मेरा गोल ब्लडर रिमूव हो गया, जिसमें स्टोन थी, और साथ में जो मेरे असिस्ट थी उसका भी ऑपरेशन हो गया। और मैं बहुत खुश थी तब ऑपरेशन के लिए, क्योंकि मैं इतने टाइम से सफ़र कर रही हूँ, मेरे को था कि यार मैं बस अब इस चीज़ को निकलवा के फेंकना, क्योंकि मेरे को कभी फीवर कोल्ड कभी कुछ होता ही नहीं था, मेरे को बस वही लाइफ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी लाइफ की वही थी। रेस्ट 6 मंथ का बोला था, बट मैंने 1 मंथ रेस्ट किया था, उसके बाद मैंने कॉलेज कंटिन्यू किया, डांस सिखाने लगी, सब कुछ प्रॉपर। फिर पेन फिर स्टार्ट हो गया, अभी आज तक भी बीच का तो मैं जो है वो क्या बताना, बस अभी भी चल रहा है सारा, कभी कभार हो जाता है पेन, और इतने हद तक हो जाता है कि
नहीं मेरे से बर्दाश्त होता, और वो मेरी ही गलती होती है क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीज़ों के परहेज़ दिए हुए हैं, जैसे फास्ट फूड मैं नहीं खा सकती हूँ जो स्ट्रॉन्ग रहती हैं, मेरे को हल्का फुल्का खाना चाहिए मेरे को मेरे हेल्थ के अकॉर्डिंग। तो और सबसे मेन बात जो मुझे बोलते हो कि आप थोड़े पतले हो, थोड़े हेल्दी हो जाओ, मैं बहुत ट्राई करती हूँ होने की, मैं नहीं हो पाती। मैंने जिम तक भी ट्राई किया है, मैं कुछ खाती हूँ मेरे लगता ही नहीं है। तो बट मैं हैप्पी उस चीज़ के साथ था। बट ये हर बार एक थोड़ा सा ये होता है ना कि नई चीज़ से हो रही है एलर्जी, एक तो वेदर के अकॉर्डिंग भी। अभी दो अल्ट्रासाउंड करवाई है इसी वीक, दोनों अल्ट्रासाउंड में जस्ट स्वेलिंग आई है कि स्टमक में इन्फेक्शन हो रखा है। और मैंने जो भी होता है ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट सब कुछ करवाया, फुल बॉडी चेकअप करवाया मैंने, तो उसमें कुछ भी नहीं आया, सब कुछ ओके है। तो डॉक्टर भी ये सोच रहे कि क्यों हो रहा है ये, किस चीज़ की वजह से पता नहीं। जैसे क्योंकि मैं शादी में गई थी, मैंने वो खाना वहाँ पे ऐसा ऐसा खाया डेली का, तो दो दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही मैं, उसके बाद आ गई और आपको आप खुद देख सकते हो। आज मैं अच्छा फील कर रही हूँ बहुत, जल्दी ही न्यू कंटेंट के साथ यूट्यूब पे भी एंड इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आएंगे। फेसबुक पे हमारे 500 के कंप्लीट हो चुके हैं, थैंक यू सो मच, लव यू बहुत सारा। एंड 2.5 मिलियन हमारे इंस्टाग्राम पे होने वाले हैं। एंड जल्दी ही अंजुम और व्लॉग का तो नहीं है अभी, अंजुम और व्लॉग पे आप लोगों का थोड़ा मेरे को प्यार की ज़रूरत है। अंजुम और जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी हमारे जल्दी ही एक सरप्राइज लेके आ रही हूँ, कितने क्या वो नहीं बताऊँगी मैं। सो जो स्टमक पे है स्टीज के मार्क्स हैं वो आपको पता लग गया, ऑपरेशन की वजह से हैं। अब मेरे को भी अच्छा लग रहा है कि मैंने आप लोगों को बता दिया। मैं नहीं ट्राई करूँगी कि मैं ब्लाउज थोड़ा लॉन्ग पहनूँ या मैं यहाँ से दिख गया नहीं दोबारा वीडियो रीटेक करते हैं, नहीं। मैं अभी फ्रीली मैं वीडियो डाल सकती हूँ, पोस्ट कर सकती हूँ। आई होप आप अंडरस्टैंड करोगे, प्लीज़ मन बना के वीडियो को पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद को बेचारा नहीं दिखाना कि मैं बेचारी हूँ, मेरे साथ ये हुआ है वो, जो ज़्यादातर मैं देखती हूँ यूट्यूब वगैरह पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे, ये हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं। जो थंबनेल में फ़ोटो है वो भी घर पे मम्मी को भेजनी थी कि भी हाँ अभी ठीक है, रेस्ट कर रही है, सो गई है कि तब ली थी, तो मैं अभी ऐड कर रही हूँ वो सारा थंबनेल वगैरह में। मुझे ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी खाना ये चीज़ें, क्योंकि आप लोग इतना प्यार करते हो, आप लोगों को भी दिक्कत होती है, और मेरे इतने इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे फ़ैन हैं जो मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, मन्नत मांगते हैं, प्रसाद बांटते हैं मेरे लिए, बस उन्हीं की वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो टेंशन मत लो, आपकी अंजू पूरी फिट है। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ, ऐसे ही प्यार बनाए रखना, लव यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।